हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, गुड आफ्टरनून। अब हमारे 4:30 बजे है ना, तो अब देखते हैं यहाँ पे घूमने का प्लान बनाते हैं। शाम का टाइम है यार, घूमने जाएंगे। सुबह तो क्रिकेट खेल के आ गया था, 9 बजे 9 बजे गया था, तो 1 बजे आ गया था। वो मैन ऑफ द सीरीज हूँ मैं, मज़ा आ गया। तो गाइस, कहीं का प्लान बनाते हैं हम, देखते हैं कहाँ का प्लान बनाते हैं। गाइस, हमारा प्लान बन चुका है, तो अब हम जा रहे हैं एक जगह पे, तो आपको दिखा दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है? तो चलो चलते हैं। उससे पहले यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, हम रेडी हैं, तैयार हैं। ललित भी चल रहा है अभी, तो अब हम जाएंगे, गाड़ी ले लेते हैं। मम्मी सिलाई कर रही है, देख लो, अभी पता नहीं ये करती रहती है। चाबी ले लेते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ पर सामने गौशाला है, यहाँ पे सामने गौशाला भी है, ये इस रास्ते से वहाँ पे है देखो, और यहाँ पर मसान और ये साइड में शमशान भी है यहाँ पे। यार बहुत देखे हो यार, बहुत चीज़ें हैं। एक दिन शमशान क्या, मसान में भी चलेंगे। मसान में नहीं यार, गौशाला में भी चलेंगे। अब हम अंदर चलते हैं गाइस, चलो चलते हैं। यहाँ पर हाँ, एक बात है, यहाँ पे कबूतर बहुत हैं, लगा देता है। यहीं पे चप्पल खोल देते हैं साइड में। ये देखो गाइस, ये है यहाँ के अंदर से। आज बहुत टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे भी। हमारे यहाँ से लगभग आधा 2 किलोमीटर दूर है, पर आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ। नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। शिव जी का है सर, समाधि है वहाँ पर, मुख्य मंदिर है। हनुमान जी का है ये, तो शिव जी का उनका है, अलग अलग है। ये देखो शनि भगवान का है, यहाँ पर है समाधि, ये है मुख्य समाधि। चेतन गुरु जी के नाम से सिद्ध पुरुष थे उनकी। कबूतर स्नान कर रहे हैं, देख लो, कबूतर स्नान कर रहे हैं, सबसे बड़ा दृश्य ये देख लो। अब भी हम देखो, वहाँ पर पानी भी है, चल तो क्या करने जा रहा है यार। ओ त्री, सारे के सारे पागल है क्या यार, सारे के सारे उड़वा दिए। ये देखो गाइस, इस पे कितने सारे बैठे हैं, पागल जैसे कर रहा है। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए। बहुत खतरनाक है यार। ओ भाई साहब, डर गया मैं तो।
ये देखो वापस आ गए। सारे के सारे ज्यादातर पेड़ पे बैठ गए यार। ओ भाई साहब क्या बात है, देखो वहीं पे भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी डाल पे बैठे हुए हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ यहाँ पे कोई दिख रहा है नहीं, तू जा तू जा तू जा, ठीक से नहीं दिख रहा है यार, देखते हैं दूसरी तरफ से। कहाँ से? वहाँ से देखते हैं, वहाँ से दिखता है तो इसे देखो ओवर एक्टिंग की दुकान। मेरे घर में सबसे ओवर एक्टिंग की दुकान ही है और सबसे ज़्यादा बदमाशी भी यही है। गाइस यहाँ से देखते हैं, घना ने टाइम हुआ है यार, कुछ ही बचे अभी तो। और भी आ रहे हैं अभी तक तो बहुत है, इससे पूरे ये मैदान पूरा बच जाता है। ये तो बहुत कम है आज तो, बाकी तो ये पूरा का पूरा मैदान है ना पेड़ पे, वहाँ पे पूरा भर जाता है ये पूरा पेड़ पे। ऊपर देखो और भी, अभी और भी आ रहा है तो फुल पेट पूजा हो रही है यहाँ पे। इनको खाने देते हैं, हम दूसरा ले लेते हैं। तब यहाँ पे गेहूँ रखे हुए हैं, मतलब धान रखा हुआ है, तो इन धान में आए जल्दी। नहीं नहीं ये पानी के लिए, पीने के लिए अगर कोई पानी पीना है तो सुविधा अच्छी है, साफ सफाई बढ़िया है। नहीं खेजड़ी है, खेजड़ी है रे। अरे नहीं है क्या? खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी रे जैन साहब, खेड़ी जानी। आमली रो, क्या बात है, इमली का पेड़ है, मेरे को लगा खेजड़ी का है। बहुत बड़ा है यार, उल्लू बताओ, मैंने आज तक इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा इमली का। ये देखो और भी है, उल्लू बताओ इधर आओ, ये पूरा पेड़ इमली का है, इतने बड़े बड़े। तो ये बोल रहा है कि उल्लू है, देखते हैं। तो गाइस उल्लू दिखा है, ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। ये देखो हिलता हुआ दिखा, हाँ वो उल्लू ही है, अंदर चला गया। मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद आया हूँ यार। पास में तो अभी नहीं आ पाया, कभी टाइम मिला ही नहीं, मतलब बना ही नहीं, मौका बनाना पड़ता है ना यार, तो बना ही नहीं मौका, तो आ भी नहीं पाए। तो यहाँ पे ये अंकल दादाजी हैं, ये यहाँ का साफ सफाई सब कुछ संभालते हैं, मिलाता हूँ। ये देखो हाय करो सा। सो गाइस ये अंकल जी हैं, तो ये संभालते हैं यहाँ का सारा कामकाज, हमेशा ऐसे संभालते हैं। हाँ देख लो इतने बुढ़ापे में इतना जोश, बहुत काम का है यार। तो मतलब अब रोज अटे साफ सफाई रहा था। हाँ एकला अकेले पूरे साफ सफाई करते हैं यहाँ की, देख लो इतना जोश तो हमारे में भी नहीं है यार। भगवान के लिए तो हो जाता है, भगवान ऑटोमेटिक दे देता है ना दोस्तों। तो यहीं पे काम करते हैं, मतलब यहीं पे साफ़ सफाई करते हैं, यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे इनके पीछे करें नॉर्मल ही है, अपने नॉर्मल अपना होता है जैसे ही है। कुछ आंटियाँ हो रही हैं, दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पे। बस काफ़ी टाइम बिता लिया है यहाँ पे, तो अब निकलते हैं। इतनी देर दादाजी से बात कर रहा था, तो अब वापस जा रहे हैं। ये यहाँ की पोल है,
देख लो, आपको दिखाया नहीं पहले मैंने, ये मेन एंट्रेंस गेट है और ये यहाँ की पोल है। तो वापस जाते हैं, आपको बाहर का भी दिखा देता था। लड़का डराने की कोशिश कर रहा था पर इतना डरा नहीं। तो ये देख लो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से नहीं दिख रहा, ठीक है ऐसे दिखा देता हूँ। ये है ना, ये गौशाला है, यहाँ पे चदरे, यहाँ पे गाय रहे, और ये मेन एंट्रेंस है यहाँ का, और यहाँ पे मशान है, शमशान। अरे गाड़ी के बोल रहा है, अब 18 का हो जा पहले, भी चलाना, मैं तो 18 का हो चुका हूँ पर लाइसेंस नहीं बना यार। सो गाइस हम चलते हैं अपने घर, कर ले भाई कर ले, कितनी परमानी कर ले, चाबी तो मेरे पास है भाई, कैसे चलाएगा मैं भी देखता हूँ, प्लस हैंडल लॉक है यार, कैसे चलाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम चलाते हैं अभी, ले 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 जाएगा कहीं, मेरे को यहीं पे छोड़ गया तो। चलो चलते हैं गाइस, फाइनली बैक टू होम। तो मम्मी अभी भी सिलाई कर रही है यार, तो 5:30 हो चुके हैं, मतलब 1 घंटा हो गया, देख लो 1 घंटा हो गया जाके आके, 1 घंटा ही होता है क्योंकि इतना तो पास ही है ना, कभी कभी दूर भी चलेंगे, बहुत दूर चलेंगे यार, इसलिए पहले मोनेटाइज हो जाए, फिर एक बड़ा सा लंबा सा टूर निकालेंगे हम, चारों के चारों फैमिली पूरी जाएंगी, तो देखते हैं उनका भी। फ्रेंड्स अभी हम ऊपर आए और अब हम खेलने वाले हैं, क्या बोलते हैं ऐसा, अभी याद तो नहीं है नाम तो, पर अब हम वही खेलेंगे। डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये इस टाइप का है, मतलब 5x5 का बॉक्स होता है, छोटे छोटे बॉक्स है देखिए, और ऐसे 5x5 होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 का होता है, तो मतलब 4 जन इसमें एक साथ खेल सकते हैं, 4 का ये है, उससे ज़्यादा नहीं खेल सकते। तो आज हम ये खेलेंगे, कल तो खेले थे पर कल बता नहीं पाया, तो आज बता देता हूँ। निशान बना रहा है ठीक से, डार्क डार्क कर रहा है ड्राइंग की तरह। तो गाइस हमारे रेडी है, और ललित ने 4 7 पॉइंट चल रही है, अब हम चलते हैं, ये ऐसे हिला के ऐसे डाल दिया, तो अब ये उल्टे पड़े हैं ना, इनका मतलब 2 होता है, बाकी के ये मान्य नहीं होते, ये कितने हैं वही मान्य होते हैं, तो मेरे 2 हैं, ये पूरे की पूरी टीम यहाँ पे मेरी इस बॉक्स में है, तो यहाँ से 2 चलेंगे, ये आगे पे 2, तो मेरे भाई ने चल रही है, इसके भी 2 ही आए, ये देखो ये और ये वाला उल्टा आया, उसने वहाँ से चला है, हेडशॉट मारू थी, हेडशॉट। 3 आए, 1, 2, 3, तो भी 3, 1, 2, 3, 4, ओ 4 लेके आया, पिछली बार पहली बार में 4 आएगा, अभी भी 4 यार, मतलब 4 के 4 उल्टो, सीधा हो तो 8 हो जाता है सीधा, डबल 4 और 2, 4 और 2 6, 2 3 4, इन 2 में फिटिंग। ओ यार मेरी उड़ गई हेडशॉट, ये हां अभी हम मोनेटाइज हो गए मोनेटाइज YouTube में होता है, इसमें नहीं, तो मेरे को उड़ा दिया इसने, एक मतलब एक को 5 भी चल सकते हैं और एक भी चल सकते हैं, क्या बोला, एक को 5 भी चल सकते हैं और एक भी चल सकते हैं, मतलब अगर कोई एक अगर उल्टा पड़ा हो ना तो उसको 5 बार भी चल सकते हैं और एक बार भी, 2 आ गए, तो 2 ही आए वापस, यार क्या यार ऐसे भी, देखते हैं। हम खेल चुके हैं, मैं हार गया यार, कोई बात नहीं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी, वो थोड़ा वो खेल चुका है पहले, वो बहुत खेलता था, ओ कट रहा कट रहा, वो उसके मास के वहाँ पे बहुत खेलता था, तो नहीं खेलता तू बता, अरे पागल हो गए यार, मैंने क्या किया तूने, मास के वहाँ पे वो बहुत खेल रहा था, तो इसलिए इसे आता है यार थोड़ा ज़्यादा खेलना। 3-0 आ रहे, झूठ बोल रहा है, 3-1 से जीता है वो, देख लो यार एक बार तो जीता हूँ फुल गोल्डन डक। तो गाइस आज को वीडियो का एंड, ये यार बदमाशी बहुत करता है यार, मैंने क्या कहा, नकल उतार रहा है। सो गाइस आज का वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर ला, और बाय, और नहीं खत्म।